हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्लैरिटी 56। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने थंबनेल पे जैसा देखा हॉरर फोटो एडिटिंग, आज हम लोगों को बिल्कुल वैसा ही हॉरर फोटो एडिटिंग करना है। तो हम लोग फटाफट अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद से हम लोग क्लिक करेंगे प्लस पे, प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद से हम लोग फिर से क्लिक करेंगे एडिट ए फोटो पे। एडिट ए फोटो पे क्लिक करने के बाद से हम लोग एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे, ये वाला। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ सेलेक्ट करने के बाद से अब हम लोग चलेंगे ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और अपना मॉडल पीएनजी सेलेक्ट करेंगे। तो ये मैं अपना मॉडल पीएनजी पहले से ही बना कर रख लिया हूँ, आप लोग भी बना लीजिएगा। और सेलेक्ट करने के बाद से फिर से हम लोग क्लिक करेंगे क्रॉप पे। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद से हम लोग अपने फ़ोटो को क्रॉप कर लेंगे कुछ इतना। करने के बाद से हम लोग यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद से अपने फ़ोटो को जूम करके और यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद से यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद से फिर से हम लोग क्लिक करेंगे ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद से हम लोग अब ये वाला पीएनजी, पैर वाला पीएनजी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद से इसको सीधा करके और यहाँ पर लगाएंगे। लगाने के लिए ऑपसिटी को थोड़ा सा कम कर लेंगे। कम करने के बाद से इसको यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे एडजस्ट इतना कर लेना है। इतना करने के बाद से अब हम लोग ऑपेसिटी को फुल कर देंगे। फुल करने के बाद से हम लोग क्लिक करेंगे इरेज पे और यहाँ से इरेजर पे सेलेक्ट करके और इसको इरेज कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं सभी पीएनजी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। तो फटाफट हम लोग इरेज कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, हमारा इरेज हो गया। इरेज होने के बाद से हम लोग यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद से फिर से हम लोग क्लिक करेंगे ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद से फिर से हम लोग अपना मॉडल पीएनजी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर से हम लोग क्लिक करेंगे क्रॉप पे। और अब हम लोग ये इतना इरेज इतना ये क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद से यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद से अपने फ़ोटो को जूम करके और यहाँ पे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद से हम लोग फिर से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद से हम लोग अब ये वाला पीएनजी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से हम लोग इसको ब्लेंडिंग इसका मल्टी कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मल्टी नहीं, डार्क कर देंगे। डार्क करने के बाद से इसको छोटा करके और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। आप लोगों को भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद से हम लोग फिर से क्लिक करेंगे इरेज पे और इरेजर पे क्लिक करके बाकी के पार्ट को इरेज कर लेंगे। आप लोगों को भी अच्छे से इरेज कर लेना है। आप लोगों को भी अच्छे से इरेज कर लेना है। इरेज करने के बाद से हम लोग यहाँ दाढ़ी पर से भी रिमूव कर लेते हैं। इतना करने के बाद से यहाँ से करेंगे डन। डन करने के बाद से फिर से अपने पीएनजी को थोड़ा इधर उधर करके सही से कर लेते हैं। करने के बाद से यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद से फिर से हम लोग क्लिक करेंगे ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद से हम लोग ये वाला पीएनजी सेलेक्ट करेंगे, ब्लड वाला पीएनजी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से यहाँ से कर देंगे ऐड और इसको छोटा करके और यहाँ पे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद से यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद फिर से हम लोग क्लिक करेंगे ऐड फोटो पे।
ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद से अब हम लोग ये वाला पीएनजी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से हम लोग फिर से इसको यहाँ पे नीचे छोटा करके एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद से फिर से इरेज करेंगे और यहाँ से ये वाला इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद से फिर से यहाँ से करेंगे डन और इसका एक लेयर पे क्लिक करके डुप्लीकेट बना लेंगे। डुप्लीकेट बनाने के बाद से फिर से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के बाद से यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद फिर से हम लोग क्लिक करेंगे ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद से अब हम लोग ये वाला पीएनजी सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से हम इसको ब्लेंडिंग को मल्टी कर लेते हैं। मल्टी करने के बाद से हम लोग इसको अपने चेस्ट पे सेट कर लेते हैं। इतना सेट करने के बाद से हम लोग फिर से क्लिक करेंगे इरेज पे और ये हमारे जितने भी कपड़े पे आ गया है इसको रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद से यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद से फिर से हम लोग क्लिक करेंगे ऐड फोटो पे और फिर से इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद से हम लोग इसका ब्लेंडिंग मल्टी कर देंगे। मल्टी करने के बाद से इसको हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद से इरेज पे क्लिक करके और ये वाला इरेज कर लेंगे। इरेज करने के बाद से फिर से हम यहाँ करेंगे डन। डन करने के बाद से इसका फिर से एक डुप्लीकेट बना लेंगे और डुप्लीकेट बनाने के बाद से इसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद से फिर से हम लोग यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद फिर से हम लोग क्लिक करेंगे ऐड फोटो पे और फिर से हम लोग यही पीएनजी ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद फिर से हम लोग इसका ब्लेंडिंग मल्टी कर लेंगे। मल्टी करने के बाद से इसको अपने फेस पे एडजस्ट कर लेंगे। फेस पे एडजस्ट करने के बाद से हम लोग फिर से क्लिक करेंगे इरेजर पे। इरेज पे क्लिक करने के बाद से फिर से हम लोग ये वाला रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद से फिर से हम लोग ये बीच वाला रिमूव कर लेंगे। रिमूव करने के बाद से फिर से हम लोग यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद से फिर से हम लोग सेम पीएनजी को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद से इस ब्लेंडिंग को फिर से कर देंगे मल्टी और इसको अपने फेस पे कटआउट को अपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर से क्लिक करेंगे इरेज पे और ये बाकी का पार्ट इरेज कर लेंगे। इतना करने के बाद से यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद से फ्रेंड्स अब हम लोग चलेंगे ड्रॉ पे। ड्रॉ पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद से हम लोग कलर को कलर में जाकर वाइट सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद से फिर से हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और साइज को इतना ही रहने देंगे और ऑपेसिटी को घटा लेंगे और हार्डनेस को भी घटा लेंगे। इतना करने के बाद से फिर से हम लोग करेंगे बैक। बैक करने के बाद से अपने यहाँ जो आईबॉल है इसको वाइट कर लेते हैं। वाइट करने से क्या होगा कि हमारा फ़ोटो थोड़ा हॉरर लगने लगेगा। इतना करने के बाद से हम लोग फिर से अपने यहाँ से कर देते हैं डन। डन करने के बाद से फ्रेंड्स अब हम लोग अपने फ़ोटो को शेयर करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स हमारा फ़ोटो लाइटरूम एप्लीकेशन में ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद से हम लोग क्लिक करेंगे लाइट पे और हाईलाइट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और वाइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और ब्लैक्स को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। और इतना करने के बाद से अब हम लोग क्लिक करेंगे कलर पे और मिक्स पे क्लिक करेंगे और येलो कलर का भी सेचुरेशन 100 माइनस कर देंगे और ग्रीन कलर का भी सेचुरेशन 100 माइनस कर देंगे। इतना करने के बाद से फिर से हम लोग क्लिक करेंगे ऑरेंज पे और ऑरेंज कलर का सेचुरेशन थोड़ा सा घटा लेंगे और लुमिनेंस को बढ़ा लेंगे। इतना करने के बाद से यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद से फाइनली फ्रेंड्स हमारा फोटो एडिट हो गया है। देख सकते हैं कितना धांसू तरीके से हमारा फोटो एडिट हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।